भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 135 रनों से हराकर चौथा T20 अपने नाम कर लिया है। इस तरह भारतीय टीम ने 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। भारत की ओर से संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने ताबड़तोड़ शतक जड़े। तिलक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की वाइफ रितिका ने बेटे को जन्म दिया है। रोहित पहले से एक बेटी के पिता थे। रोहित शर्मा अपने दूसरे बच्चे के जन्म के चलते ऑस्ट्रेलिया अभी तक नहीं गए थे। अब माना जा रहा है कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए जल्द ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई है। विराट कोहली और केएल राहुल को चोट लगने की खबरें हैं। इंडिया ए के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के दौरान केएल राहुल को चोट लगी। प्रैक्टिस मैच के दौरान विराट कोहली को भी गेंद लगी और उन्हें स्कैन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर केएल राहुल को भी कोहनी में चोट लगी। मैच के दौरान केएल राहुल को बाहर जाना पड़ा। बीसीसीआई की मेडिकल टीम के मुताबिक केएल राहुल और विराट कोहली की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। इंडिया ए के खिलाफ इंट्रा स्क्वाड मैच में यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और ऋषभ पंत फेल हो गए। यशस्वी और विराट ने 15-15 रन बनाए जबकि ऋषभ पंत 19 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल ने मुश्किल पिच पर अच्छी पारी खेली। पर्थ के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन मैदान पर यह इंट्रा स्क्वाड मैच खेला जा रहा है। पर्थ की बाउंसी पिच पर बेबस नजर आए भारतीय दिग्गज बल्लेबाज। शॉर्ट गेंद पर विराट और पंत का हुआ बुरा हाल। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने विराट कोहली पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों से विराट का बल्लेबाजी में जलवा कायम है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं विराट कोहली। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कोहली का वर्चस्व कायम है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाएंगे और फॉर्म में वापसी करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। पूर्व कप्तान केन विलियमसन की टीम में वापसी हुई है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेली जाएगी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज। ग्रोइन इंजरी से उभरे केन विलियमसन, न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में पहली बार नेथन स्मिथ को किया गया शामिल। टॉम लेथम टीम की कप्तानी करेंगे। क्राइस्टचर्च में 28 नवंबर को पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इंग्लैंड के खिलाफ वो टेस्ट करियर का आखिरी मुकाबला खेलेंगे। टिम साउदी ने न्यूजीलैंड के लिए 18 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेली। रिटायरमेंट से जुड़े सवाल पर टिम साउदी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अपने देश के लिए 18 साल खेलना गर्व की बात है। टेस्ट क्रिकेट मेरे दिल के काफी करीब है। दुनिया भर में खेलना मेरे लिए स्पेशल रहा। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया। एक पारी में सभी 10 विकेट चटकाने वाले अंशुल कंबोज गेंदबाज बन गए। अंशुल ने केरल के खिलाफ ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। केरल के खिलाफ अंशुल कंबोज ने 49 रन देकर सभी 10 विकेट अपने नाम किए। अंशुल से पहले बंगाल के प्रेमंगश चटर्जी ने साल 1956 में 10 विकेट चटकाए थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सभी 10 विकेट चटकाने वाले छठे भारतीय गेंदबाज बने हैं अंशुल कंबोज। विदर्भ के बल्लेबाज करुण नायर ने रणजी ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ शानदार शतक लगाया। करुण नायर ने 237 गेंदों में 123 रनों की पारी खेली। पारी के दौरान करुण ने 3 छक्के और 16 चौके लगाए। रणजी ट्रॉफी में यूपी के कप्तान आर्यन जुयाल ने भी शतकीय पारी खेली। आर्यन ने कर्नाटक के खिलाफ दूसरी पारी में 257 गेंदों पर 109 रन बनाए। शेष गोपाल ने आर्यन का विकेट लिया।